नहीं
होगी तो जन्म में Thank you.
हेलो, देखिए जब तक आप बैठेंगे नहीं रामलीला का आनंद नहीं ले पाएंगे। हेलो, देखिए सभी इस स्टेज को खाली कर दीजिए। नीचे बैठ के बना यार, लाइव नीचे पीछे किसी को नहीं दिख रहा। हाँ, आराम से पीछे प्रधान जी आपको नीचे उतार सको, नीचे उतार सबको, कोई बात नहीं। हाँ सभी, कोई बात नहीं, लगाओ जी लगाओ। पीछे हो जाए आप लोग, जो स्टेज पे खड़े हो भग जाना। ये आप प्रोग्राम देख रहे हो जो बॉम्बे से चार्टर्ड विमान द्वारा सेक्टर 13-17 में उतर कर आपके बीच में आई है, वो हैरान है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। हाँ बिल्कुल शांति बनाए रखे। हाँ चलो, ये रामलीला स्टेज पे जितने भी भक्तजन खड़े हैं पीछे हो जाए प्लीज। आनंद आपको तभी आएगा जब सीन चलेगा। ये लाइव प्रोग्राम आप सुधा वाणी की ओर से कम 50,000 लोग देख चुके इस रामलीला को, और परसों हमारे हैप्पी जी ने भी ना जाने कितने लोगों ने लाइव देखा, और प्रशासन की ओर से प्रार्थना है कि व्यवस्था बनाए रखे ताकि यह सीन हमारा हो सके। हाँ कोई ऊपर नहीं आएगा, अभी इतने गाने आपको सुनाए देंगे, आनंदित होंगे आप सभी। हाँ जी लगाइए। देवी हम अवधपति महाराजा दशरथ के दुलारे हैं, और अपने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में पधारे हैं। मेरा नाम राम है, और ये साथ में मेरी धर्म पत्नी सीता मेरे साथ आई है, और साथ में हमारे छोटे भाई लक्ष्मण प्यारे। यदि अनुचित ना समझे ये समझे प्लीज, तो बैठ के कर लेगा पिज्जू पब्लिक खाने की नहीं। बैठो बैठो, लंकापति रावण की हमशीर मेरे भाई हर और दूसरे मिल किसी जगह रहते हैं,
और नाम का लिहाज से मुझे सुर्ख नखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई और कई बार मैंने अपनी किस्मत मुझ पर आजमाई, लेकिन मैं किसी को खा के नहीं ना लाई। देवी, तो फिर यहाँ पर किस लिए तशरीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने सूर्य नखा के दिल में जगह बनाई। देवी, ये तुम्हारी पहेली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अकलमंद मालूम होते हो, मगर बहुत मुश्किल अजी, आप मेरे खाते में, मैं आपकी लुगाई। अरे समझे मेरे बात की जमाई। देवी, जबकि तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को अपने खातिर में ना लाई, तो हम फकीरों से ऐसे क्या समाई? तबीयत है जहां आई, फिर कौन बात सा और कैसे बढ़ाई। अफसोस, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हेलो, अगर लक्ष्मण तुम्हारी ये बात मंजूर कर ले, वास्तव में तो मैं आपकी गोविंद करती हूँ। अबे काला के लूटा छोटा आदमी, आदमी की सूरत मुझसे शादी करेगा। आप मुझसे शादी कर, देवी मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जब तुम जैसी चंद्रमुखी मृग नैनी की तबीयत मुझ पर मलाल हो गई और एक ही नेत्र बाण से घायल हो गई। सुंदरता का ये सुंदर ना जवाब हो। क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, 13 साल शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र मिट्टी में मिल जाएगी। तो बस आपकी तरफ से मुझको साफ जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी गोली जलती है। एक भाग है तो दूसरा बेताब है, मगर वह कहते हैं दूसरी शादी मेरे लिए हराम है। देवी, मजाक करने की उनकी आदत है, दिल तो उनका भी बेताब है। अच्छा, फिर तुम्हारी इनकार है, तुम नहीं करोगे कुछ? ना देवी, ना। फिर मैं उसी के पास जाती हूँ, वो कम से कम नरम तो है।